सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर आयोजित कपिल वस्तु महोत्सव 2017 के पहले दिन देर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी व लोकगीत की प्रख्यात गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा। गायिका मालिनी अवस्थी ने हिंदी फिल्मों, भोजपुरी गानों और लोकगीतों की ऐसी समा बांधी कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए और कार्यक्रम का जमकर लुत्फ लिया। सांस्कृतिक संध्या में गायिका मालिनी अवस्थी के इन गानों का कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए जुटे और देर रात तक जमे रहे। आपको बताते चले कि जिले के स्थापना दिवस के रूप में विगत 29 वर्षों से यहाँ कपिल वस्तु महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय व बाहरी कलाकार भाग लेते हैं। वही कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए मालिनी अवस्थी ने कहा कि अभी भी लोगों में भोजपुरी और लोकगीतों का क्रेज बरकरार है, उसी का नतीजा है कि इन कार्यक्रमों में भारी भीड़ जुटी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पिछड़ा क्षेत्र नहीं था, बल्कि इस क्षेत्र की पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब योगी इसी क्षेत्र के सीएम है और अब इस इलाके का विकास होगा। मुझे तो बहुत उज्जवल भविष्य दिखता है और एक सबसे बड़ा एक लोक गीतों को गाने के लिए तो सबसे बड़ा मंच सरकार उपलब्ध कराती है, क्योंकि ये कभी भी मंचों पर गाने की चीज नहीं थी, घरों में गाने वाली चीज थी, खेत में गाने की चीज थी, चौपाल में गाने की चीजें थी। अब घर आंगन के गीत गायब होते जा रहे हैं, बड़े बड़े परिवार नहीं है, अब सासे बहुएं साथ नहीं रहती, तो अब किसानी का लड़का किसानी साथ नहीं कर रहा। ये तो ये गीत गौने ही तो जीवन शैली की चीजें थी, खत्म हो रही। तो सरकार का बड़ा आभार है कि वो इस प्रकार के आयोजनों में उनको जगह देता है। आज आपने देखा कि मैंने गाया तो लड़कियां भी आई साथ में और वो सब यंग लड़कियां थी, उन्होंने न सिर्फ गीत गाया बल्कि अभी मुझे दो लड़कियों ने बताया कि वो एक स्टेट लेवल के कंपटीशन में हमसे बोली कैसे खेलन जेबू, उन्होंने फरमाइश की कजरी की, तो बाद में बताया कि मैडम आपका ये गीत गाकर हम लोग फर्स्ट आए थे वहां पर। तो ये चीजें हैं जिनसे कि भविष्य उज्जवल है। मुझे लगता है कोई एक पहल करता है, हम लोग जिस समय गाते थे उस समय एक बहुत ही सेट, मैं कहूंगी सतही भोजपुरी गाने की परंपरा थी, भोजपुरी गाने से ही एक अलग टाइप के गायकों की छवि आती थी। लेकिन मैंने कहा कि वो गायकी ना तो मेरी मंजिल है, मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पूर्वज गाते रहे उन गीतों का मर्म समझते समझाते मैं एक धारा बनाऊं। आज बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे लोग ही इस तरह से गा रहे हैं और ये देखिए जितना हम दूर भागेंगे अपनी जड़ों से उतना वापस आना पड़ेगा, तो इसलिए लोक संगीत तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। यहाँ के स्पेशली मतलब महिलाओं के लिए पिछड़ा इलाका है, आप देखिए ये तो आप कहते हैं पिछड़ा इछड़ा कहीं नहीं, इनको आगे नहीं आने दिया गया, ये कहिए किसी तरह से तरक्की से दूर रहे, क्योंकि राजधानी से दूर है, एक कह लीजिए ऐसा, ये ऐसा नहीं सिद्धार्थनगर, जो जो जगह है लखनऊ से थोड़ा थोड़ा दूर है, पूरे प्रदेश में वहां तक पूरी पूरी नजर में मुझे लगता है शासन की नहीं पहुंच पाई। अब तो ये सौभाग्य इस पूरे क्षेत्र का कि मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र से हैं, उसका असर आपको दिख रहा है कि कितना भव्यता सबके पास सिद्धार्थ नगर महोत्सव हो रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस हठ के साथ, जिस गरिमा और ठसक के साथ महिलाओं और औरतों ने आके स्टेज पे आज परफॉर्म किया, वो मुखरता, वो उनकी झिझक उनमें कहीं नहीं थी, वो जो उनमें खुलापन था, और जितने इस गरिमा कितना सुरीला सब गा रही थी, मैं तो गवा रही थी सबको। तो ये पिछड़ापन तो उसको कहते हैं जहाँ पर कि ये तो बड़ी, मुझे लगा कि मौका दिया जाए तो क्या नहीं कर सकती। तो ये अनुशासन देखिए कितना कमाल का अनुशासन था, तो ये पिछड़ापन तो कहीं नहीं, ये बस मुझे लगता है कि कुछ जगहें हैं जहाँ पर सरकार की तरक्की की रोशनी नहीं पहुंच पाई। यहाँ के लिए सौभाग्य है कि यहाँ पर अब मुख्यमंत्री जी आ गए, उसे दिन बहुरने शुरू हो गए मुझे लगता है पूरे मंडल के।